बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि बीजेपी ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था 370 का अपने लिए और एनडीए का जो 400 पार का, बीजेपी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। दो हजार 24 के लोकसभा चुनाव नतीजों को आए अब काफी वक्त हो चुका है। इन नतीजों को लेकर काफी कुछ कहा सुना गया है, इन नतीजों के लगातार विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी इतना समय बीतने के बाद भी इन चुनाव नतीजों का सही सही विश्लेषण कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इन चुनाव नतीजों के लगातार विश्लेषण हो रहे हैं, बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा विश्लेषण, कोई एक ऐसा बिंदु जिसको लेकर के कहा जाए कि वो इन नतीजों को लेकर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नतीजे जो हैं, ये जो परिणाम है, चुनाव परिणाम, ये इतने अलग अलग तरह के संदेश हैं कि कोई एक संदेश इसमें पढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अपने आप में ऐसे अनोखे, ऐसे निराले चुनाव परिणाम है जिसको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी खुश है, हर पार्टी इसको लेकर जश्न मना रही है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिल गया है। हालांकि हर पार्टी को बहुत कुछ नहीं भी मिला है, तो वो भले ही पॉलिटिकल पार्टियां या नेता नहीं दिखा रहे, लेकिन वो दुख दर्द भी है जो नहीं दिखा रहे। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन नतीजों का विश्लेषण कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस बात से लेकर खुश है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 242 सीटें जो है बीजेपी को मिली हैं, और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यानी एनडीए के साथ मिलकर के उसको पूर्ण बहुमत मिल गया, इसलिए एनडीए और बीजेपी खुश हो सकते हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिला है और बीजेपी अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का खुश होना एक और कारण से जो है बड़ा वो इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं लगातार तीसरी बार। मैं ऐसा तीसरी बार, इससे पहले 1962 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार चुनाव जीते थे, उसके बाद आज तक भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नेता, उसके नेतृत्व में कोई पार्टी लगातार तीन चुनाव जीत जाए। तो बीजेपी ने लगातार तीसरा चुनाव जीता है, क्योंकि 10 साल में कहते हैं इतनी इनकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि आप उसको संभाल नहीं सकते, राजनीतिक जिस तरह का जो पूरा एटमॉस्फेयर है ऐसा दूषित हो जाता है, ऐसे ऐसे आरोप लग जाते हैं कि उसको लेकर के आप तीसरी बार जीत जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने मिथक तोड़ा है, तो इसलिए उसकी एक उपलब्धि यह भी है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि बीजेपी ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था 370 का अपने लिए और एनडीए का जो 400 पार का, बीजेपी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी को यह भी लगता था कि वो भले ही वो 370 का जो आंकड़ा है, बीजेपी को लगता था कि वो भले ही उसने कह दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने लोग कह रहे थे कि भाई हमने ये कह दिया है और ये जो है विरोधियों को दबाव में लाने का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी भी मान रही थी कि वो कुछ भी करेगी तो 300 सीटें उसकी आ जाएंगी और हर हालत में उसको अकेले अपने दम पे बहुमत मिल जाएगा, ऐसा बीजेपी मान के चल रही थी। लेकिन वो नहीं हुआ है, अकेले अपने दम पे बहुमत नहीं मिला, 370 400 का आंकड़ा नहीं मिला, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। इसलिए ये बीजेपी इसमें जो है इसको लेकर खुश भले ही हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सारे लेसन भी हैं इन चुनाव नतीजों में। बहुत सारे लेसन की अगर बात करूं, मैं उनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, भविष्य में कभी मौका लगेगा तो इस पर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी इस पर खूब चिंतन मंथन चलेगा। लेकिन एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, वो ये है कि इन चुनाव नतीजों को लेकर एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर जो है बीजेपी को कई जगह खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीजेपी की कई जगह पर जहां अनएक्सपेक्टेड हार हुई है वो बीजेपी के जो लोकल कैंडिडेट्स से, उनकी वजह से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नाराजगी देश भर में नहीं दिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, लेकिन लोकल लेवल पर कई जो सिटिंग सांसद थे, कई जिन ऐसे लोगों को टिकट जो दे दिया गया था, उनके कारण नाराजगी थी और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो उत्तर प्रदेश है, इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो राजस्थान है। राजस्थान में जहां बीजेपी अभी इतने बड़े जो है विधानसभा चुनाव में जो है इतने बड़े मार्जिन से जीती थी, वहां बीजेपी इतनी सीटें हार जाए ये हजम नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है टिकट वितरण गलत हुआ था,
गलत लोगों को टिकट दिया गया था जिसके कारण खामियाजा उठाना पड़ा। यही चीज उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हार गए हैं जिनको लेकर के पहले से ही बात चल रही थी कि उनके परफॉर्मेंस को लेकर लोग खुश नहीं है, उनके कामकाज से लोग खुश नहीं है, नाराजगी थी, इस तरह की चीजें आ रही थी। अयोध्या को लेकर कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की हार हो गई, बीजेपी ने जहां मंदिर बनाया वहां बीजेपी हार गई। तो एक तो बात यह बता दूं कि अयोध्या जो अयोध्या में क्योंकि अलग अलग इलाके हैं, अयोध्या की जो लोकसभा सीट है और उसमें विधानसभा क्षेत्र कई हैं, उसमें जो अयोध्या सेगमेंट है अगर सिर्फ अयोध्या की बात करेंगे वहां से बीजेपी जो है वो प्लस में गई, यानी बीजेपी वहां नहीं हारी है लेकिन अयोध्या के आसपास के इलाकों में बीजेपी हार गई है। तो उसके कारण बीजेपी को अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी है। तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह की चीजें कई हैं जो बीजेपी को लेकर कही जा सकती हैं। अब मैं जरा विपक्ष की तरफ आ जाऊं, कांग्रेस की तरफ आ जाऊं। कांग्रेस खुश हो रही है, कांग्रेस बहुत खुश हो रही है। उसको लग रहा है उसने नरेंद्र मोदी को रोक दिया। कांग्रेस इस बात पर बहुत खुश है कि उसने नरेंद्र मोदी को रोक दिया और कांग्रेस ने अपनी टैली बढ़ा ली। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने अपनी टैली बढ़ाई है, वो 99 सीटों तक आ गई है और कांग्रेस ने कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया, कई जगह उसको अच्छी सीटें मिली हैं। राजस्थान में उसका जिस तरह से कमबैक हुआ वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह जीत गए, जिस तरह से अमेठी की सीट कांग्रेस ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी से छीन ली, ये सब कांग्रेस के जो पॉजिटिव चीजें हैं, कांग्रेस को एक अच्छा वो देते हैं, मैसेज देते हैं कांग्रेस के लिए। और इसका एक मैसेज और है कि कांग्रेस जो है वो रिवाइव कर रही है, ये भी कह सकते हैं आप। और ये कांग्रेस का इस तरह से मजबूत होना मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, क्योंकि देश में लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब विपक्ष भी मजबूत होगा। विपक्ष अगर लुंज पुंज रहता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो विपक्ष के मजबूत होने का भी एक संकेत है। लेकिन कांग्रेस इस पर बहुत खुश भी नहीं हो सकती। कांग्रेस सोचे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके भी मैं कारण बता देता हूं। कांग्रेस एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में जीरो सिफर रहा, अंडा आया कांग्रेस के पास। इनमें मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, हिमाचल है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस अंडा जीरो पर। और इसके अलावा ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस को सिर्फ एक एक सीट मिली है, जैसे ओडिशा है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, यहां सिर्फ एक एक सीट कांग्रेस को मिली है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। जहां पर कांग्रेस जीती है उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर नहीं जीती है, वहां पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के चलते क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो उसको शिफ्ट कर गया, पूरी तरह से शिफ्ट कर गया। बहुजन समाज पार्टी क्योंकि मायावती भी मैदान में मजबूती से नहीं थी तो उनका भी वोट शिफ्ट कर गया, इसलिए वो वहां जीते हैं। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो अखिलेश यादव के साइकिल पर चढ़ के जो इतने अपने सांसद जिता पाई है। इसी तरह से कांग्रेस को एक बड़ा चंक कहां मिला है, वो मिला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में डीएमके के वो कंधे पर चढ़ के जीती है। तो इसलिए कांग्रेस भले ही खुश हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं। और इतनी तमाम ताकत लगाने के बावजूद नरेंद्र मोदी के 10 साल की जिसको वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि महंगाई था, बेरोजगारी था, ये सब चीज था, इतने सारे मुद्दे थे, अग्निवीर था, इन सारे मुद्दों के बावजूद कांग्रेस जो है सब पार्टियों को साथ लेकर एक गठबंधन बनाकर दिल्ली जैसे स्टेट में आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को जो है बिल्कुल सफाचट कर दिया था, जिसने कांग्रेस के नेताओं को चोर बताया था, जिसने सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात की थी, ऐसी पार्टी के साथ समझौता करने के बावजूद भी दिल्ली में 7 सीटों पर यह गठबंधन हार गया। तो कांग्रेस कई जगह खुश हो सकती है लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत खुश होने की बात नहीं है। और कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात जानते हैं क्या है, वो एक सबसे बड़ी चिंता है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और इसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगा दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इस चुनाव में राहुल गांधी का जो गारंटी कार्ड था वो बहुत चला और उसके कारण कांग्रेस को खूब वोट मिले। ये गारंटी कार्ड क्या था, इस गारंटी कार्ड में लिखा था कि आपको 5 जून के बाद से आपको जो है जो भी बेरोजगार है उनको जो है उनको नौकरी मिल जाएगी, पहली नौकरी, पक्की नौकरी मिल जाएगी, महिलाओं को 1,00,000 रुपए खटाखट देने की बात थी, ऐसे तमाम चीजें लिखी थी, लोन माफ की, ऐसे तमाम पर्चे बांटे गए थे, कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटा गया था। अब वो जो गारंटी कार्ड है उसके ऊपर राहुल गांधी के दस्तखत थे और ये कह दिया गया था महिलाओं को, बाकी लोगों को जिनको गारंटी कार्ड दिया गया था कि 4 को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को आप आएंगे, आपका ये कार्ड जमा होगा, आपको पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन अब ऐसी तमाम महिलाएं जिनके पास कार्ड थे वो कांग्रेस ऑफिस पहुंच रही है कि 5 तारीख तो आ गई, अब हमारे पैसे दीजिए। अब वो पैसे जो है दे नहीं सकती कांग्रेस क्योंकि पैसे देने की सिचुएशन में नहीं है।
तो सवाल यह कि राहुल गांधी के ऊपर जो भरोसा लोगों ने किया था कि राहुल गांधी ने गारंटी दी है, वो गारंटी जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है इस चुनाव में कांग्रेस ने लगभग खो दी है। ये बड़े सर, क्योंकि लोग कांग्रेस ऑफिस पहुंच रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। जरा देखिए ये किस तरह से महिलाएं वहां पर लड़ रही हैं कि हमको इस तरह से झूठ बोला गया था। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म है, ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं नहीं ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं, यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है, ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो लग रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है, फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई इसमें भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। देख लो कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये, यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगरा रही है वो। कहाँ से आई आप? हम ये पीछे से आए थे। क्या कुछ ये पत्र आप हाथ में लिए हो, और ये पत्र आपको किसने दिया है? हमको लता जी ने दिया है। लता जी कौन है पार्टी कार्यालय में? ये पार्टी की है। क्या करती, किस पद पर है लता जी? ये हमको नहीं पता। कार्ड कब दिया गया आपको? कार्ड कब दिया? हम सुबह मिला है। सुबह दिया है, क्या बोला गया, किसने दिया, किस तरह से मतलब बताया कि फॉर्म जमा, फॉर्म भर के वहाँ जमा कर देना यहाँ कार्यालय में, तो जमा करने हम आए। कब मिला फॉर्म? यहाँ सुबह सुबह दिया लता जी ने दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा ये जो भर के देना, फिर मैसेज आएगा उस पर मोबाइल पे। अच्छा, फिर जो फायदा क्या बताऊंगा, कौन पैसा आ रहा है, पूरा नाम क्या है? तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगियों की अगर बात करो, इंडी गठबंधन की बात करो, तो ममता बनर्जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और एक बार फिर से वहां चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई है। तो ममता बनर्जी के जो जो गवर्न करने का तरीका है, जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है, इस सबको देखकर अब डर लगता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी वास्तव में सुरक्षित रह पाएगी नहीं रह पाएगी, वहां कोई पार्टी कभी उनको चैलेंज कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लोग क्या ममता बनर्जी को डर कर ही वोट करते रहे, कभी खुशी से भी वोट कर पाएंगे? ये तमाम सवाल है जो ममता बनर्जी को लेकर उठ रहे हैं। डीएमके जो है वो तमिलनाडु में उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, अब इसको लेकर इस सवाल उठते हैं कि क्या डीएमके इस जीत के बाद एक बार फिर से जिस तरह से उन्होंने वहां पर अन्नामलाई की तस्वीर के ऊपर बकरा काटा, मतलब जो नृशंसता की हद करी, जिस तरह से बकरा काटा, जिस तरह से उन्होंने जश्न मनाया, जिस तरह से वो सनातन को, हिंदुओं को गाली देते रहे, तो उसको लेकर चिंता ये है कि तमिलनाडु में क्या इसी तरह से नफरत की राजनीति चलती रहेगी? ये चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी जरूर, भले ही उसके आम आदमी पार्टी के नेता खुश हो रहे हैं कि उन्होंने मोदी को रोक दिया, 370 या 300 सीटें मोदी की यहां पे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता खुश क्यों हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, वो फिर से जेल में है, ऊपर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया, दिल्ली जैसी जगह पर जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, और जहां अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक बड़ा मुद्दा बना था। अरविंद केजरीवाल सब जगह कह रहे थे कि मुझे जेल से निकालना है तो फिर जो है इनको वोट मत दो, लेकिन जनता का फैसला तो ये लग रहा है कि ये था कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे। अगर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की बात माने तो जनता ने तो यही फैसला दिया कि केजरीवाल जेल में रहे, क्योंकि दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी साफ हो गई। पंजाब में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया, आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, कई विधायक हार गए, तीन तीन वहां पे जो है उस तीन सीटों पर सिमट के रह गई, जहां पर उसने इतनी बड़ी ताकत से पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। अब वहां पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई सहयोग, कोई समझौता नहीं रह गया, बाकायदा वहां पर चन्नी से कांग्रेस के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये जो है आम आदमी पार्टी के लिए तो खैर इस चुनाव में कुछ नहीं, उसके नेता क्यों खुश हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हर पार्टी के लिए, अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए में जो है ये एक बड़ा फैक्टर है। एनडीए में, एनडीए के लिए जो है तेलुगु देशम की जो वापसी हुई है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू जो है किंग मेकर की भूमिका में है, उनकी सरकार भी आंध्र प्रदेश में बन रही है और दिल्ली में भी उनकी धमक रहेगी। इसी तरह से नीतीश कुमार का जलवा एक बार फिर दिखा, बिहार में जो नतीजा है उसने दिखा दिया, नीतीश कुमार जो है आज भी वहां पर एक ऐसे नेता है जिनका अपना वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता साबित कर दी। बाकी अगर नेताओं की बात करें तो शिवसेना की मैं जरूर बात करूंगा, महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो, उद्धव ठाकरे ने जो है वो अच्छी खासी जीत हासिल की। अब इसके बाद जो है संभावना ये बन रही है कि क्या उद्धव ठाकरे की, बीजेपी को भी अब लगता है कि उद्धव ठाकरे की जरूरत पड़ेगी, और उद्धव ठाकरे को के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, क्योंकि उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो इंडिया इंडी गठबंधन में नहीं चल सकता। अगर उनको बाला साहब ठाकरे की लिगेसी को फॉरवर्ड करना है तो उनको बीजेपी ही के साथ आना सही प्लेटफॉर्म रहेगा, और बीजेपी को भी अब ऐसा लगता है ऐसी सिचुएशन में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद देना कोई बड़ी चुनौती नहीं रह जाएगी।
कोई बड़ी मुश्किल नहीं रह जाएगी। तो हो सकता है इस बात की संभावना कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनते थे, कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि उनको बड़ी जीत मिली है। दूसरी तरफ एनसीपी में बहुत उलटफेर चल रहा है क्योंकि अजीत पवार की के कई विधायक अब बताया जा रहा है शरद पवार के संपर्क में, क्योंकि शरद पवार ने दिखा दिया कि असली एनसीपी वो है। तो ये सारे जो चीजें चल रही हैं, अगले कुछ दिनों में भारत की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत उठापटक होगी, बहुत कुछ जो है ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू किया था, मैं उसी बिंदु पर फिर आता हूं। मैंने शुरू में कहा कि इन चुनाव का कोई एक मैसेज, कोई एक विश्लेषण जो है वो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इन चुनाव का एक विश्लेषण, एक मैसेज जो है वो बड़ा जबरदस्त है। वो मैसेज ये है कि भारत का लोकतंत्र जो है वो कम से कम जो है वो बदनाम होने से बच गया। भारत की जो ईवीएम मशीन है, अब ईवीएम मशीन उसकी लाज बच गई, उसकी इज्जत बच गई। अब देखिए चुनाव नतीजे आने के बाद जब कोई पार्टी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रही, मैं आपको पहले बता चुका हूं 41 बार ईवीएम को लेकर के शोर शराबा मचाया गया, और इस बार भी अगर बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 सीट ले लेती तो एक बार फिर से ईवीएम का रोना रोया जाता, एक बार फिर से कहा जाता कि डेमोक्रेसी जो है भारत में खत्म हो गई है, पूरी तरह से चुनाव आयोग बिक गया है। लेकिन ये जो नतीजे आए इसके बाद अब विपक्ष का भी ये मुंह नहीं है कि वो ईवीएम पे सवाल उठा दे, क्योंकि आपको तो पहले से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो फिर आप कैसे ईवीएम पे सवाल उठाओगे। तो विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा उसके हाथ से चला गया। डेमोक्रेसी, अब राहुल गांधी विदेशों में जाकर ये नहीं कह सकते कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, जो है भारत में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, सब चीजों पर जो है नरेंद्र मोदी का कब्जा। अगर सब चीजों पर कब्जा होता तो भाई साहब आप 99 सीटें नहीं जीतते, आप दो दो जगह से लोकसभा चुनाव नहीं जीतते इतने भारी मार्जिन से। तो ये तो कम से कम है। लेकिन बड़ा सवाल आपके सामने ये छोड़कर जा रहा हूं, जिस तरह से ईवीएम को और जिस तरह से ये चुनाव आयोग को, जिस तरह से भारत को राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने दुनिया भर में बदनाम किया कि ईवीएम हैक की जाती है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, क्या इसके लिए, इन सब चीजों के लिए अब इन नतीजों के बाद क्या विपक्ष को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को इन सब के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? आखिर आपने नरेंद्र मोदी का नहीं भारत का नुकसान किया, भारत की चुनाव प्रणाली का, भारत की संस्थाओं का नुकसान किया, क्या इसके लिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये सवाल है, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके सामने, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।